आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव चिड़ियाठेर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से मात्र 3 किलोमीटर है। 1400 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान वीर सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान वीर सिंह और सचिव नरेंद्र प्रताप के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफ़ी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफ़ी मदद की गई है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के चिड़ियाठेर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं और किस तरह से लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है, इस सबकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल, जैसे कि 4.5 साल आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं इसका जी मैम, तो क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में अब तक करवाए हैं? जी मैम, सड़क नाली और जो स्कूल में काम जो बोले थे उनके लिए और पानी की निकासी के लिए ये सारे कार्य कराए गए हैं। जिसको जो जैसे परेशानी थी उस परेशानी का सॉल्व किया गया जी। जैसे यहाँ पर जो है ODF मुंबई ग्राम पंचायत आपकी जी, ODF मुंबई ग्राम आवास मिले हैं लोगों को? आवास 2011 की जो जनगणना में थे तो उनको जो लाभार्थी थे, जो पात्र थे, उनको आवास मिल गया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो आपके गांव में कितने परसेंट लोग इन सबका पूरा पूरा लाभ ले पाते हैं? जी मैम, जो उज्ज्वला कनेक्शन के हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं, 10 से 15 लोग हैं। और सम्मान निधि का भी पैसा कुछ किसानों को आया है, कुछ का पेंडिंग है, किसी का खाता या कोई दिक्कत है तो उसको तहसील द्वारा शिकायत स्वीकार दी गई है, उसका भी जो है सोल्यूशन हो जाएगा जी। सोलर लाइट कनेक्शन भी वगैरह लगवाई है? हाँ जी, बिजली कनेक्शन भी लगभग 70% गांव में हो गए, लगभग सभी के कनेक्शन हो गए हैं। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन, विधवा पेंशन, 60 साल और विकलांग पेंशन जो पहले चल रही थी वो भी आ रही हैं, और जो नई हुई हैं वो भी आ रही हैं। जैसे कि आपकी इस पंचायत में 2 गांव लगते हैं, एक ये जहाँ आपके निवास स्थान है, दूसरा एक और गांव है, तो दोनों ही गांव के सड़कें, रास्ते वगैरह सब पक्के हो चुके हैं या अभी भी कुछ रास्ते? नहीं, कुछ रास्ते प्रॉब्लम है जहाँ रह गए हैं, बाकी इतना पानी की निकासी की सबसे बड़ी मेन समस्या है, उसको ही लेकर जो है हम कर रहे हैं कि उसका पानी, हर गाँव में पानी की दिक्कत है जी, जल भराव की दिक्कत है, क्योंकि समर सीजन लोगों के हैं जिससे पानी ज़्यादा भाव हो रहा यहाँ सड़क है उनको करा दिया जाएगा और बाकी होगी जी। जैसे कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में जो है काफ़ी सख्ती से ध्यान दिया गया है, तो इसमें आपने यहाँ ग्राम पंचायत में स्कूल में क्या किया जी? उसमें जो है पानी पीने की व्यवस्था जैसे टंकी, टैल्स ये करा दिया गया है, और दोनों स्कूलों में बाकी 2 स्कूल रहे हैं उनमें काम चल रहा है। मिड डे मील वगैरह की सुविधा कैसी है? मिड डे मील की सुविधा जो है स्कूल में रसोईया बनाती है, खाना मैडम के अंडर में बनता है। जैसे कि आप और एक अच्छे खासे एजुकेटेड यंगस्टर हैं, प्रधान ग्राम प्रधान मुखिया हैं, तो शिक्षा की तरफ मतलब क्या लगता है आपको, पिछले बीते कई सालों में और अब में इतना सौंदर्यकरण जो की सरकार ने भी काफ़ी ध्यान दिया है और आप लोगों की तरफ से काफ़ी स्कूल में जो है सहयोग दिया गया है, तो उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं शिक्षा में, क्या फर्क पड़ा है इस चीज़ से? नहीं, इस बार सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो शिक्षा पे ज़्यादा, मतलब स्कूलों में जो सरकारी जो निजी थी, सरकारी संस्था थी, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि पहले हम देखते थे कि उनको अगर टूट गया तो टूटा पड़ा, खंजर पड़ा, लेकिन ऐसा इस सरकार में नहीं है। सरकार में सबसे पहले सरकारी जो भी जगह है उसको सही करके और स्कूलों में उस सारी व्यवस्था की गई है जो प्राइवेट स्कूलों में होती है, वो सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई का जो लेवल है, शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ है पहले से, बहुत बेहतर हुआ है। क्वांटिटी है, रजिस्ट्रेशन पहले बहुत ही कम, लगभग 50-60 हुआ करता था, तो अब स्कूल की कंडीशन देखते हुए और फिर जो है सारी सुविधा देखते हुए जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को बेहतर। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा ग्राम पंचायत में कुछ और है, जैसे बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं गाँव? नहीं मैम, पंचायत भवन नहीं, बारात घर नहीं है, पंचायत भवन है बना हुआ। आंगनवाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र चिड़ियाठेर में है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी बन रहा है। शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह बने हुए हैं? शमशान घाट बने हुए नहीं है, शमशान घाट है दोनों जगह लेकिन कहीं भी बने हुए नहीं है, उसके लिए हमने कहा था लेकिन पैसा नहीं हो पाया, जो जमीन भी है हमारे पास है शमशान घाट की,
लेकिन उसके संतान अभी तक वहाँ जो है मतलब कोई बनने की कार्रवाई मतलब कह दिया क्या बोले करवा देंगे लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन जगह है सब कुछ है। जैसे आप अस्पताल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है ना सुंदर की जी। यहाँ जैसे लॉकडाउन रहा है 70 दिन का पूरी तरह से रहा है, अभी भी है बीमारी अभी भी फैल रही है फैली हुई भी है, तो जी कोई कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पर मिला जैसे बाहर से कई लोग आए हैं तो उनकी जांच वगैरह हुई हुई है? नहीं जांच हुई थी उनको जो है 14 दिन के लिए उनके घरों में रखा गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो आराम से ऐसा कोई केस नहीं है ना ही कोई ऐसा है दोनों तरफ गाँव। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मैम सबसे पहले मेरी मांग यही है कि गांव का जो पानी की निकासी है बहुत परेशानी है सबसे बड़ी मेरे। तालाब यहां पर है नहीं या? तालाब है लेकिन तालाब गांव से दूरी है, दूरी पर जी। तो मैं चाहता हूं कि जो दूरी है 500-600 मीटर की दूरी है कि वहां तक तालाब तक नाला बन जाए, नाला निर्माण हो जाएगा तो पानी की निकासी पूरे गाँव की तालाब में हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास यही हो रहा है कि नाले का निर्माण हो जाए तो मेरे गांव का जो है पानी का जो रास्ता हो जाए। कितने परिवार अभी आपके गांव में ऐसे होंगे दोनों गांव में मिलाकर के जिन्हें कि अभी आवासों की जो है जरूरत है कच्चे मकान में रहते हैं? जी मैम ऐसे परिवार हैं 20-22 परिवार हैं जिनको क्या हमने दे दिया गया है जो कच्चे हैं और मजदूर टाइप के हैं उनको मतलब पेट पालने के लिए कमा पाते हैं बाकी इकट्ठा नहीं कर पा रहे जी। तो ऐसे 20-22 परिवार हैं जिनकी सूची बनाकर हमने दे दी गई है। जैसे कि प्रधान जी आप एक युवा प्रधान हैं तो क्या अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस बीमारी को लेकर के या अब आने वाले समय में जो है बहुत ही एक चुनौती वाला टाइम है क्योंकि अनलॉक भी है और बीमारी भी लगातार कंटिन्यू फैलने पर है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैम आदेश सरकार ने दे दिया उसका पालन करते करते जो है लोगों को हमने ये सलाह दी है कि भाई अपनी जान प्यारी है तो बचना पड़ेगा, पेट के लिए भी करना पड़ेगा लेकिन अपने आप को भी बचाना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलोगे तभी हमारा देश जो है इस कोरोना को मार पाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सभी चपेट में आ जाएंगे, ये नहीं सोचें कि हमारे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमसे नहीं होगा। जब हम बाहर जाएंगे अगर इसके मतलब मास्क वगैरह का यूज नहीं करेंगे या भीड़ में जाएंगे ध्यान देते हैं मतलब कि कहीं कोई उल्लंघन हो तो नहीं रहा या कहीं पर ऐसा कि भीड़ भाड़ इकट्ठी हो बाजार मिले वगैरह जैसे लगते हैं? नहीं यहाँ पे गाँव में बाजार लगती थी वो जब से लॉकडाउन हुआ कोई बाजार नहीं है कोई भीड़ भाड़ नहीं, मतलब आप बराबर इन चीज़ों पर नजर रखते हुए ध्यान देते हैं अपने ग्राम पंचायत परिवार ऐसे होंगे जिन्हें कई तरह की परेशानियाँ सामने आई होंगी, तो आपका क्या योगदान रहा अपने ग्राम पंचायत में ऐसे परिवार? ऐसे कोई परिवार मैंने घूम के पूछा भी है और नोट भी करवाया कि भाई जिसको जो भी बाहर से आया है वो पहले मेरे पास नोट कराए उसके बाद में चेकअप कराए, अपनी जो भी सुविधा है अगर दिक्कत है तो वो हमसे बताए और खाने पीने में अगर दिक्कत है तो वो हमें फोन है नहीं और बाकी मतलब मोहल्ले भाई मोहल्ले और जो बुजुर्ग हैं उनसे कह दिया जाता है कि इकट्ठा ना हो गए अपना काम में ध्यान दें और जो भी है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कम जाएं, ये नहीं है कि मतलब जरा से काम के लिए मार्केट भागे बने कि मार्केट अगर पूरी सावधानी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते 4 सालों में काफ़ी विकास यहाँ पर इस गांव में करवाया गया है जैसे सीसी टाइल्स कार्य सड़क निर्माण आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, ओडीएफ ग्राम पंचायत हो चुकी है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है जिसका बदलाव अब आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा और अब जाहिर समय में भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही लॉकडाउन के चलते भी गरीबों की कई तरह से मदद की गई है और हर तरह से सरकार के नियमों का पालन करने और कराने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर जारी है। अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं और वैसे भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ सरकार से मदद चाहते हैं कि अगर सरकार धनराशि मुहैया कराए या मदद करे तो यहाँ पर नाला निर्माण होना बहुत जरूरी है। अशोक के साथ बना दें।